आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के, मीटर सेतु का परिपथ चित्र में दर्शाया गया है ना। शून्य विक्षेप बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है और इसके समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो शून्य विक्षोभ जो है 64 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो R व S के मान प्राप्त कीजिए। बच्चों हमारे पास में ये दिया गया है, हमें ये पता है कि ये जो मीटर स्केल पर ये होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। जहां पर भी हमने रखा तो ये वाली होती है हमारे पास में L1 और बाकी की जो बची L-L1 ये होती है बच्चों हमारे पास में L2 है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज का ये उस पर आधारित होता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में ठीक है क्या होता है, जो R अपॉन S जो आता है यहाँ पर वो बराबर किसके आता है, वो होता है हमारे पास में L1 बटे 100 माइनस L1 के। ठीक है, तो यहाँ से जो है R अपॉन S ये दिया गया है, L1 कितना दिया गया है बच्चा हमारे पास में 40 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो बाकी कितनी बचेगी 60, 100 माइनस 40 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0 ने 0 को मार दिया 2/3, यानी कि जो हमारे पास में R बटे S का मान आ गया वो तो आ गया 2/3। अब हमसे बोला गया है क्या, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, कि हमने इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया 12 ओम का। ठीक है, तो मान लेते यहाँ पर S' हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया S' हो गया। ठीक है, तो 1/S' बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 + 1/S। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12S ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा S + 12, ये बराबर 1/S', तो S' बराबर कितना आ जाएगा 12S/12+S के बराबर, यानी कि जो द्वितीय अवस्था आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, वो हो जाएगी R/S' बराबर जो आ जाएगा, इसके लिए कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा L2 64/100 - 64 यानी कि 36। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, R/S' का मान कितना है हमारे पास में 12S और ऊपर की तरफ में चला जाएगा 12+S। ठीक है, ये बराबर, इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसको मैं काटूंगा 2-2 से, तो 2 से काटा तो 32 × 64, 18 × 36, फिर 2 से कट कर दूंगा तो ये मेरे पास में कितना बच जाएगा 16 × 32, 9 × 18, यानी कि 16/9 के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 12R/12S + RS/12S। ठीक है, बराबर 16/9, 12 ने 12 को मार दिया, R/S का मान जो है हमारे पास में वो ये रहा 2/3। ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2/3 प्लस का, S ने S को मार दिया, यानी कि R/12 आ गया, बराबर के कितना आ गया 16/9, तो यहां से मेरे पास में R का मान आ जाएगा, R/12 बराबर 16/9 है ना, और माइनस कर दूंगा मैं 2/3 को, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने लघुत्तम ले लिया बच्चों कितना 9। ठीक है, तो ये 9 लघुत्तम ले लेते हैं, ये बच जाएगा 16 - 3 × 3 = 6, यानी कि 10/9, यानी कि यहां से जो मेरे पास में R का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 × 12/9 है ना, 3 से ये काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, यानी कि R बराबर कितना आ गया, R बराबर तो आ गया मेरे पास में 40/3 ओम के बराबर। जब मेरे पास में R का मान ये आ गया तो जो मेरे पास में ये वाली समीकरण है, समीकरण एक से वो कितना हो जाएगा, R का मान लिख देते हैं 40/3 × 1/S बराबर 2/3 था। ठीक है, तो S का मान कितना आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए 3 ने 3 को मार दिया, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि S बराबर आ जाएगा 40/2, यानी कि S बराबर जो हो गया मेरे पास में वो आ जाएगा 20 ओम। ये उत्तर हो जाएंगे बच्चों हमारे R और S के। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।